to my channel. This is Anjali, और इस चैनल पे आपको मिलेगा complete content for class 11th and 12th IP and CS both. So अगर आपके पास IP या CS है, you will be getting the complete content along with the worksheets, notes, sample paper, practical preparation, viva questions, project work, everything. Everything you're going to get here, right? So, आप अगर 11th या 12th में हैं और आपके पास IPCS है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें. बट दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर everyone. इफ यू आर इन 11th एंड 12th, आप में से काफी बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं. जैसे पिछली बार 30% सिलेबस CBSE ने रिड्यूस कर दिया था. सो यू आर स्टिल थिंकिंग कि अभी सिलेबस रिड्यूस हुआ है या आपको पूरा सिलेबस करना है, बुक में से कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कुछ छोड़ना है नहीं छोड़ना है. दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. And along with that, I'll give my opinion and the reasoning कि जो मेरा opinion है वो वैसा क्यों है और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. So I have 16 years of experience with CBSE along with your these two subjects, right? So before I start with that, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है. Since आप लोग school में हो अभी, so चाहे आप class 11th में हो या 12th में हो, so एक बहुत ही अच्छा इंडिया का सबसे बड़ा aptitude test होने जा रहा है Unacademy पे. I'm a plus educator on Unacademy, तो आप मेरे को Unacademy पे फॉलो भी कर सकते हैं. मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. Unacademy पे मेरी भी क्लासेस होती हैं, फ्री एंड पेड बोथ. सो आप फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो. पेड क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, विच इज़ अवेलेबल फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस, जिसपे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप ये नाम यूज करते हैं. बट अभी आप फोकस करेंगे इस इवेंट पे. This is a very, very, very interesting event happening for the first time in India. So 30 aptitude questions आपसे पूछे जाएंगे. Aptitude मतलब general reasoning, logic, right? 30 aptitude questions आपको करने होंगे 60 minutes में. 60 minutes में आप उसे करोगे. Transparent है, आपके सामने ranks आ रहे होंगे screen पे. So you have to see your rank over there only. And prizes worth rupees 5 crores will be distributed amongst the students. सर्टिफिकेट हर किसी को मिलेगा. एवरी स्टूडेंट विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और जिसका रैंक आएगा अकॉर्डिंगली यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस. हर क्लास के अंदर से प्राइजेस अलग से चूज किए जाएंगे. सो ईच कैटेगरी 6th to 12th. लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन कि कहाँ से आप इसके लिए एनरोल करेंगे. एनरोल करते टाइम भी आपसे कोड पूछा जाएगा. एंड मेक श्योर यू राइट दिस कोड विदाउट एनी स्पेस. अंजलि लूथरा, बिना किसी स्पेस के. 5 दिन रह गए हैं. June 20 को टेस्ट होगा 12 बजे. आप चाहो तो प्रिपरेशन कर सकते हो, बट अदरवाइज एप्टीट्यूड है नॉर्मल, आपका ब्रेन कैसे चल रहा है वो चेक कर रहे हैं. सो कोई फर्दर प्रिपरेशन की या प्री लाइक कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है. यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनीथिंग बिफोर हैंड, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो. प्राइजेस में आपको मिलेगा मैकबुक, आईफोन, आईपैड, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड अ लॉट मोर. अदर देन दैट, ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है, बट जो रोज का रोज एनरोल करेंगे उसमें से भी 7 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे और उसमें से आपको जो भी आपके 7 विनर होंगे उनको गुडीज दी जाएंगी. Unacademy गुडीज विच कैन इंक्लूड Unacademy टी शर्ट, बॉटल, कप, एनीथिंग लाइक दैट, राइट? सो यू मस्ट गिव इट अ ट्राई. आप जीतो या ना जीतो, एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आगे जाके प्लेसमेंट्स में भी काम आता है, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काम आता है. सो यू मस्ट चेक कि आपका एप्टीट्यूड लेवल क्या है. सो उसको चेक करने के लिए एक बार ये टेस्ट देना जरूर, ठीक है? सो इफ यू वांट टू चेक योर एप्टीट्यूड लेवल यू मस्ट गिव इट. अंजलि लूथरा इज द कोड टू एनरोल. लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन. फाइन. सो अब हम आ जाते हैं वापस अपनी बात पे. हमारी बात ये है, आज की जो मेन मुद्दा है दैट इज कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं. सो 30% रिडक्शन की गई थी लास्ट टाइम, राइट? चाहे वो CS हो, IP हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, साइकोलॉजी हो, व्हाटएवर सब्जेक्ट. अब उस रिडक्शन के पीछे रीजन क्या था? देखो, आपका सेशन शुरू होता है अप्रैल में. कुछ स्कूल्स में मार्च में भी शुरू कर देते हैं, राइट? लास्ट ईयर कोविड आउटब्रेक हुआ था जो हमारा, जब हमारे पास पहली बार हमें कोविड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, दैट वॉज इन March 2020, राइट? सो March 2020 से ये शुरू हुआ था, जब हमारा संपूर्ण लॉकडाउन लगा था. आपको याद होगा, सब आपने थालियां बजाई थी, कैंडल जलाई थी, ऑल दैट स्टफ. सो दैट वाज मार्च एंड, ठीक है? अप्रैल भी पूरा हमारा ऐसे निकला, स्कूल्स नहीं खुल रहे थे, काफी महीने तक स्कूल्स नहीं खुले. उस टाइम पे किसी को भी ऑनलाइन लर्निंग का आइडिया नहीं था, ना तो टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना आता था, है ना?
सो ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल्स के लिए एक बिल्कुल ही नई चीज थी. तो आपके टीचर्स जो थे दे वर नॉट फेमिलियर विद द सॉफ्टवेयर्स, उनको जूम टीम्स या ये सारी चीज़ें यूज करनी नहीं आती थी, बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं थे, या तो एक्स्ट्रा फोन नहीं था, पेरेंट्स का फोन है उनको भी तो काम करना है, या पेरेंट्स का लैपटॉप है उनको अपना काम करना है, तो वो आपको क्लासेस के लिए अपना लैपटॉप या फोन कैसे दे देंगे. सो देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स. कुछ लोगों के पास घर पे इंटरनेट ही नहीं था, सो टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता था. दैट वॉज अ न्यू थिंग, दे हैड टू लर्न. और अगर आता भी था तो वो जैसे बोर्ड पे लिख के पढ़ाई होती है वैसे घर से तो नहीं हो सकती थी ना. सो टीचर्स हैड टू पुट बोर्ड्स एट देयर हाउसेस. काफी लोगों ने किया भी है सेटअप अपने घर पे ताकि वो लाइव पढ़ा सके ऑनलाइन. सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसे कि फेस किया गया इन 2020. सो आपका आधा साल लगा लो इसी में ही निकल गया है ना. सो अगस्त सितंबर तक तो यही जद्दोजहद चलती रही कि भैया पढ़ाएं कैसे ऑनलाइन. सो प्रॉपर जो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया गया उसको सेट होते होते सितंबर तक का टाइम निकल गया. अब उसके बाद जाकर पढ़ाई शुरू हुई, थोड़ी लाइन पे आई, बच्चों को समझ आने लग गया ठीक है ऑनलाइन ऐसे पढ़ना है, टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना आ गया. अभी भी देखो क्लासरूम टीचिंग के साथ तो कोई कंपैरिजन है नहीं है ना, बट स्टिल आ गया पेस में. तो CBSE ने डिसाइड किया कि भाई पूरा सिलेबस तो नहीं दे सकते बच्चों को क्योंकि पढ़ाई नहीं वैसे हुई, आपने पूरा साल पढ़ा ही नहीं, तो आपको कैसे पूरा सिलेबस दे दिया जाए. सो आपको 30% रिडक्शन दी गई. अब बात आती है 2021 की. अब आप कह रहे हो कि पिछले साल रिडक्शन दिया था, इस साल भी तो कोविड है, अभी रिडक्शन क्यों नहीं दे रहे हो. बिकॉज बहुत फर्क है पिछली बार के लॉकडाउन में और इस बार के लॉकडाउन में. पिछली बार जो लॉकडाउन था उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़ रहे थे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को. बट अगर आज की डेट में देखो तो मोर देन 80% बच्चों के पास अपना डिवाइस है जिसपे वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं. ठीक है, देन टीचर्स आर वेरी मच फेमिलियर विद द ऑनलाइन एजुकेशन नाउ. सो टीचर्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग इट वेल. जबकि पिछली बार नहीं था, पिछली बार पता नहीं था कि टेस्ट कैसे कंडक्ट करेंगे, असाइनमेंट कैसे देंगे, होमवर्क कैसे चेक होगा. माइक्रोसॉफ्ट ने अपना टीम स्टोन का सॉफ्टवेयर है वो फटाफट निकाला कि हाँ भाई क्लासेस लो. दे हैव प्रोवाइडेड इट टू बी यूज बाय स्कूल्स एंड बहुत सारे फीचर्स भी उसमें इन्हांस किए गए हैं. ठीक है, और ऐसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी हेल्प से क्लासेस ली जा रही है. सो अब आपकी क्लासेस हार्म नहीं हो रही बेटा. ठीक है, आपकी शुरू से क्लासेस शुरू हो गई थी है ना. सो आपकी 11th खत्म हो गई थी मार्च में और स्कूल्स ने 12th का सिलेबस कराना भी शुरू कर दिया था. सो इस बार स्कूल्स का सिलेबस जो है वो शुरू हो चुका है, क्लासेस चल रही हैं. ठीक है, ऑल दो इट इज घर से हो रहा है, ऑनलाइन है, बट क्लासेस तो चल रही है, नॉट लाइक प्रीवियस ईयर. सो इसीलिए चांसेस कम है कि रिडक्शन होगा. सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड अनलेस कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं जो फालतू की हाइप क्रिएट करते हैं कि रिड्यूस द सिलेबस. अब पता चले ट्विटर पे कोई शुरू हो जाए हैशटैग के साथ, बोर्ड तो कैंसिल हो ही चुके हैं, अब हैशटैग शुरू हो जाए ट्विटर पे रिड्यूस सिलेबस फॉर 2022. यू नेवर नो इफ दैट हैशटैग प्रेशराइजेस CBSE तो कुछ करना पड़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन जो मेरी है, मेरे अकॉर्डिंगली सिलेबस रिड्यूस नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट CS और IP में तो जरूरत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी इतनी जरूरत तो नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स सी. अभी तक आप ये कह लो कि 70% चांसेस है कि सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, बट जस्ट टू बी ऑन दैट साइड कि हाँ अगर CBSE को प्रेशराइज किया जाता है सो देर आर चांसेस कि आगे जाके CBSE कुछ सिलेबस रिड्यूस करने के बारे में सोचे. बट आई डोंट थिंक विदाउट एनी प्रेशर दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड. टू बी ऑनेस्ट सबकी पढ़ाई चल रही है, सब बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ना है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ना है वो ऑनलाइन तो क्या वो क्लास में भी नहीं पढ़ेंगे. और वही लोग होते हैं जो हैशटैग कर रहे होते हैं. सो ना तो उन्होंने यहाँ पढ़ना है ना उन्होंने क्लास में पढ़ना है. जो पढ़ना चाहते हैं वो सही से कर लेंगे, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन गिव 1000 रीजंस एंड 1000 एक्सक्यूजेस फॉर दैट. सो डोंट माइंड, बट दैट इज द ट्रुथ. सो एज पर मी यू गॉट द थिंग, नाउ लेट्स वेट एंड वॉच. बट हम अभी यहाँ पर मेरे चैनल पर IP और CS का पूरा सिलेबस कर रहे हैं. सेम वी आर डूइंग ऑन Unacademy ऑल्सो. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड इट यूजफुल. आपकी क्या ओपिनियन है, आपके क्या सजेशंस हैं, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स. एंड आई विल सी यू सून. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.